ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज मुनि शुभानंद भगवान का जन्म और तप कल्याणक है। इस जन्म और तप कल्याणक के अवसर पर मेरा सभी के लिए मंगल आशीर्वाद है कि यह जो कोरोना महामारी चल रही है, जिसने जन जन को परेशान किया है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा अपनी सावधानी बरतें। यदि हमारा कोरोना पॉजिटिव भी हो गया हो, लेकिन उस पॉजिटिव से भी हम छुटकारा पा सकते हैं। यदि हमारी सोच पॉजिटिव बनी रहे, हमें अपनी सोच को नेगेटिव बना करके नहीं चलना है, हमें अपनी सोच पॉजिटिव बना करके ही चलना है। जितना हम अपने मन में टेंशन करेंगे, चिंता करेंगे, उतने समय के लिए हम चिंतन करें, क्योंकि कोई भी रोग हो शरीर के अंदर, वो कर्म के उदय से होता है। और उस कर्म के उदय को शांत करने के लिए हम भगवान का स्मरण करें। और आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती, तो इसलिए हमें चिंतन करके चलना है कि मैं स्वस्थ हूँ, क्योंकि रोग तो शरीर में हुआ है और वो शरीर का रोग भी हमारा ठीक हो सकता है यदि हम अपने आप में सावधानी रखें। और जो हमारे मित्र हैं, पड़ोसी हैं, आसपास के निवास करने वाले परिवार हैं, और यदि हमें उन्हें मालूम पड़े कि उनके यहाँ कोरोना हो गया है, तो हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए दवाई के द्वारा या उनको भोजन वितरण के द्वारा हम उनके जो है क्या है सहायता करें। क्योंकि जैन दर्शन में वात्सल्य अंग सबसे उत्कृष्ट धर्म बताया गया है कि विष्णु कुमार मुनि ने भी 700 मुनियों की रक्षा की थी उपसर्ग आ जाने पर। ये जो महामारी का उपसर्ग है, इस उपसर्ग में हमारा कोई, चाहे वो जैन हो या जैनेतर हो, इस बात का विचार न करें, जैन के ही करना है। चाहे वो जैनेतर भी हो, कोई भी हो, हमें उनकी जो है दवाई के द्वारा और या भोजन वितरण के द्वारा या अन्य और कोई आवश्यकता हो उसकी हम पूर्ति कराने का प्रयास करें। और यदि अपने आप में भी आप मजबूती बना करके चलें अपने मन में कि यदि हमारे पॉजिटिव अवस्था भी बन गई है, तो हम अपनी सोच नेगेटिव ना रखें, हम अपनी सोच को पॉजिटिव लेकर के चलें, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और हम उपचार करें अपना, और उपचार के साथ साथ हम भगवान का स्मरण भी करें, जिससे कि हमें स्वास्थ्य लाभ मिले। और मेरा यही मंगल आशीर्वाद है आप सबके लिए कि आपका जीवन मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।